हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड गाइस, स्क्रैप मैकेनिक का। सो गाइस, स्क्रैप मैकेनिक के पिछले एपिसोड में फाइनली हम लोग ने यहाँ पे पोटैटो गन, जो तुम्हारे भाई के हाथ में देख रहे हो गाइस, इस पोटैटो गन को जो ना गाइस हम बुढ़ाऊ से जो ना गाइस ट्रेड करके लेके आ गए थे उसको ब्लूबेरीज, और हमने ऑरेंजेस दी थी, और उसके बदले उसने जो ना गाइस हमको पोटैटो गन फाइनली पिछले वाले एपिसोड में जो ना गाइस यहां पे दे दी थी। और अभी आज का जो हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड है ना, इसमें हम लोग क्या करने वाले बताए क्या गाइस, आज का जो एपिसोड है इसमें हम लोग जो ना गाइस और भी भाई ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं, क्योंकि आज के इस एपिसोड में अपन लोग जाके पोटैटो गन तो हमारे पास आ चुके, बट उसकी एमो जो होती है ना वो हमारे पास उतनी ज्यादा नहीं है। सो अभी फिलहाल के लिए जो ना गाइस मैं जाके पोटैटोस की जो ना गाइस फार्मिंग यहां पे करने वाला हूं। और गाइस आज का जो एपिसोड वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको यहां पे गेमिंग विद डैनी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का, तो दोनों चैनल को जरूर से चेक आउट कर लेना। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, करते हैं आज के इस एपिसोड का शुभारंभ बिना किसी देरी के, और मचा डालते गाइस फुल टू तो वाहिना मेरे भाई, लेट्स गो। तो सबसे पहले जो ना गाइस हमको क्या करना है गाइस, यहां पे सीडिंग बीडिंग करनी है, पानी शानी डालना है, ठीक है। उसके बाद जो ना गाइस यहां पे अपना काम 25 हो जाएगा भाई, ठीक है। एक काम कर लेता हूं, पहले तो भाई सीड लगा देता हूं, देखता हूं टोटल मेरे पास कितने पोटैटोस की सीड है भाई, ठीक है। ये 20, ये और ये और और ये और भाई, ठीक है। देखता हूं कितनी सीड है भाई, ठीक है। ये ले बेटा, कितनी सीड होगी टोटल, मेरे को थोड़ी सी सॉइल एक्स्ट्रा और लेके आनी चाहिए गाइस, इतने से सॉइल से जो ना गाइस अपना काम नहीं बनने वाला। मैं आज जाके थोड़ा सा सॉइल जो ना गाइस वो भी ढूंढ के लाऊंगा, क्योंकि गाइस आज करने के लिए कुछ भी नहीं है। और गाड़ी को मैं अपग्रेड करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा चलो वो बाद में कर लूंगा। अरे भाई साहब, पोटैटोस की सीड मेरे को लग रहा है मेरे पास काफी ज्यादा यार, काम 25 हो जाएगा भाई। ये ले भाई, अबे यार ये कहाँ लगा दी, अनऑथराइज फार्मिंग डिटेक्टेड भाई, नो प्रॉब्लम हो ब्रदर। भाई एक पोटैटो की भाई सीड यहाँ पे बच गई भाई, पोटैटो की सीड जो ना गाइस हमारे पास लग रहा है काफी ज्यादा मात्रा में थी, अच्छी बात है। चलो अभी यहाँ पे जो ना गाइस पोटैटो की सीड जो ना गाइस लगा के रख दी है, 13 मिनट में हमारे यहाँ पे जो ना गाइस ऊपर रेड होने वाली है, और मैं थोड़े से और सॉइल जो ना गाइस वो यहाँ पे अभी लेके आने वाला हूँ भाई, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे जो ना गाइस इन सारे सारे प्लांट्स को जो ना गाइस डाल देता हूँ एकदम मस्त बिकी पानी भाई, ठीक है। चलो गाइस पानी डाल के ना यहाँ पे हो चुका है, अभी मैं जाके थोड़ी सी और सॉइल्स जो है ना गाइस वो लेके आता हूँ, ठीक है। मैंने इस वाले डायरेक्ट फ्यूल तो है अपने पास, ठीक है। सॉइल उठाने के लिए इन्वेंटरी में जगह भी तो होनी चाहिए ना बेटा, मेरे इन्वेंटरी में ज़्यादा जगह तो है नहीं गाइज, सॉइल उठानी तो है मेरे को, बट गाइज मेरे इन्वेंटरी में जगह नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ सीड्स बीड्स अगर डाल देता हूँ, थ्रस्टी का टेंशन नहीं लेवा भाई, थ्रस्टी का टेंशन नहीं लेना, सो काम हो जाएगा ना। ऑयल बिल पड़ा हुआ है, कंपोनेंट किट पड़ी है, ये यहाँ पे फेंक दे भाई, रुक जाओ। इसको जो ना गाइज यहाँ पे लगा के रख देता हूँ, रोबो का खोपड़ी जो है ना गाइज, रुक जाओ, इस भी रोबो को खेपड़ी खोपड़ी को यहाँ पे लगा के रखता, और तो थोड़ी सी जगह तो है, 30-40 सॉइल जो है ना गाइस वो आ जाएंगी, हाँ थोड़ी सी सीड्स भी वहाँ पे मिलेंगी। रुक जाओ मैं घर पे जाके ना थोड़ी सी अपनी इन्वेंटरी खाली करता हूँ, यार मेरे को एक दो बक्से बनाने पड़ेंगे पहले तो। चलो ऐसे ही चलता हूँ, खाली सॉइल सॉइल उठा के लेके आऊँगा क्या, रुको रुको भाई, रुक जाओ, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी अपन को, मस्त बेकि यहाँ पे आऊँ, एंड जो एक बैटरी है मेरे पास वो यहाँ पे लगा के रखने दो, इसको उठा, 5 बैटरी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद भाई ये उठा ले सब, ये यहाँ पे लगा दे भाई, ठीक है। देन उसके बाद और क्या चीज़ है, और तो कुछ नहीं, एक केला तो मैं रस्ते में खा जाऊँगा, कोई सीन नहीं है। बेरिंग्स भाई रुक जाओ, ये डाल दे, नाइस वन, कंपोनेंट किट डाल दिया। सीड भाई थोड़ी सी बची हुई है, 20 और सीड, वो यहाँ पे लगा देता हूँ मस्त बेकी, ठीक है। ऑलराइट, ये वाला तो नहीं डाल सकता, कंपोनेंट किट डाल दिया, हाँ वो डाल दिया ना, सर्किट बोर्ड डाल दिया ना, और क्या डाल सकता हूँ, गाजर तो मेरे खाने के काम आएंगे, ये नहीं डाल पाऊँगा ना यहाँ पे शायद से, नहीं, ठीक है ये दो रहने दो। चलो गाइस ठीक ठाक इन्वेंट्री जो है ना गाइस अपनी खाली हो चुकी है, अभी जल्दी और थोड़ी सी सॉइल बैग जो है ना गाइस वो ढूंढ के लेके आते हैं, तब तक रेड भी हो जाएगी। और गाइस पोटैटो गन टेस्ट करने का टाइम आ चुका है ना गाइस, बताओ आ गया कि नहीं टाइम। अरे अरे अंकल, उनको छोड़ दो यार, छोड़ दो प्लीज, पट्ट से हेडशॉट दो खाए, 3-4 फट को मैं उड़ जाता, पट्ट से 4, अरे भेड़े। अभी जो ना गाइस ये क्लोज रेंज में तुम्हारे भाई के आ ही नहीं पाएंगे, ये लोग क्लोज रेंज में आए उससे पहले जो ना गाइस तुम्हारा भाई इनका गेम बजा डालेगा भाई, ठीक है। इसलिए बोलते हो अभी गेम प्लेना मेरे बच्ची, चला जाओ। वैसे मेरे पास जो ना गाइस इसके लिए बहुत सारे पोटैटोस होना जरूरी है,
अगर मेरे पोटैटोज ही खत्म हो गए ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अभी मैंने फिलहाल के लिए ना पोटैटो की यहाँ पे फार्मिंग कर रखी है। चलो अभी फटाक से चलते हैं एंड यहाँ पे जो है ना गाइज चल के थोड़े से सॉइल बैग्स ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे से शॉप्स होते हैं ना गाइज उनके अंदर से मेरे को सॉइल बैग जितनी ज़्यादा मिल रही है ना उतनी सारी सॉइल जो है ना गाइज उठा के लेके आनी है। शायद से मैंने इस तरफ की कोई भी सॉइल बैग्स ना अभी तक उठाई नहीं है, ठीक है, मैं इधर की उठा के लेके आता। और बाकी अपनी भाई गाड़ी इतनी ज़्यादा स्टेप, अरे भाई रोड किल, बेचारा रोड किल हो गया भाई, अरे गाय भी उड़ गई भाई, छी बे गाइज। ये देखो अपनी गाड़ी इतनी स्टेबलाइज है ना, देखो भाई ऑफ रोडिंग पे चढ़ाओ किस पे भी चढ़ाओ पलटी बिल्कुल ना होने वाली है, ठीक है, पलटी बिल्कुल ना होगी। देखो अब पत्थर वित्तर आने तो एकदम फुल सस्पेंशन गाइज जो लगा रखे हैं ना वो अपन को आउट ऑफ फ्यूल चला गया, बस खाली एकदम फुल फुल ये देते हैं भाई, ठीक है, क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं भाई एकदम खतरनाक वाली। चलो गाइज आगे चलते हैं और आगे कुछ शॉप जो ना गाइज वो लूट लेता हूँ मैं फटाक से एंड उसमें से सॉइल बैग लेके आऊँगा मैं। क्या यहाँ पे गाइज मेरे को सॉइल बैग मिलेंगे या फिर ये मैं पहले लूट के लेके जा चुका हूँ? हाँ गाइज ये वाले मैं पहले लूट के लेके जा चुका हूँ, मेरे को थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ रोबोज आ रहे हैं भाई, अरे भाई तेरे को पता नहीं क्या मेरे पास क्या है? रुक जाओ गाइज रुक जाओ रुक जाओ, इस बेचारे मूर्ख बालक को ना पता नहीं कि मेरे पास क्या है। ये देख रहा है 1 2 3 4, चल बेटा कल आना कल, ठीक है, कंपोनेंट किट दे दे बाकी कल आना बेटा। भाई सब पोटैटो गन आ चुकी है भाई, अभी मैं डरता है क्या? ये तो पोटैटो गन के एक पटके का है भाई, ये तो एक पटके में उड़ जाएगा। चलो आ जाओ चल देगा इस आगे, और आगे हमको और बहुत सारे शॉप्स ढूंढने हैं। ये वाले शॉप्स शायद से मैंने लूटे नहीं है, रुक जाना देख लेता हूँ, या फिर लूटे इनको भी, इनको भी लूट के मैं भाई मटेरियल लेके जा चुका हूँ शायद, लग रहा है सॉइल बैग। अबे भाई इनको भी लूटा है मैंने, वो देल इनको भी लूट के लेके जा चुका हूँ मैं। अरे भाई भाई मैं काफ़ी ज़्यादा दूर आया था लग रहा है गाइज यहाँ पे लूट मारने के लिए। चलो और आगे चल दे और आगे चल दे गाइज। ओ गाइज रेगिस्तान मिल गया मेरे को, यहाँ पे क्या होता है बताया क्या गाइज? अनलिमिटेड ऑयल मिलेगा हमको, ऑयल पॉइंट्स होते हैं गाइज यहाँ पे रेगिस्तान में, समझ रहे हो? और अपनी गाड़ी भाई रेगिस्तान में एकदम फुल ऑफ रोडिंग कर रही है, बट यहाँ पे एक भी ऑयल पॉइंट नहीं क्योंकि ये छोटू सा रेगिस्तान है गाइज, ठीक है। ऐसे अगर मेरे को थोड़ा बड़ा वाला रेगिस्तान मिला ना तो यहाँ पे एक गड्ढा होता है जिसमें हमको अनलिमिटेड ऑयल मिलता है, खाली हमको उसके अंदर मशीन डाल देनी है अपनी और गाइज उसको भाई ऑटोमेटिक करके छोड़ देना है। और बाद में अगर हम कभी भी आएंगे ना तो बड़े आराम से 1-2 हज़ार ऑयल जो है, 1-2 हज़ार तो नहीं लेकिन भाई 100-200 ऑयल तो हमको उसके अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा, संभल के बेटा। ब्रेक सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा ओपी वाली है अपनी भाई, रात होने को आई है और अगर मैं जल्दी कुछ सॉइल बैग्स ढूंढ नहीं पाया ना तो अपने बेस की बाढ़ बच सकती है, ठीक है भाई। देख रहे हो गाइस रात होने को आई है, वहाँ पे रेड ना हो जाए। और मैंने सारे के सारे मेरे पोटैटो सीड एक सीड छोड़ के सारे सीड गाइस वहाँ पे लगा दिया। अबे यार निकालना पड़ेगा इसको, निकालना पड़ेगा भाई, निकाल निकल निकल निकल, हाँ निकल कैसे भी निकल लेकिन निकल जा भाई, किसी को फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है क्या? मिलेगा मिलेगा, चल अभी मिल जाएगा रुक जाओ यार। इसको भाई उठा के रखने के लिए मेरे को ये निकालने पड़ेंगे इसके ऊपर जो तीन लगे हुए वो, यार घूमने में पूरा टाइम निकल गया गाइस मेरा, छी बे मेरे को अभी भाई घर पे भी जाना तो है ना यार, रुक जाओ इसको रिफाइन करके घर पे ही चलता हूँ। छी भाई रेड को एक बार उड़ा देता हूँ उसके बाद मैं निकलूँगा वापस से। चलो गाइस इसको भी रिफाइन कर लिया मैंने, गाजर यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, गाजर खा के मैं निकल लेता हूँ डायरेक्टली अपने घर पे, ठीक है। और लड़ अभी इसको उठा के मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। चलो गाइस यार टाइम बहुत ज़्यादा भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया यार यहाँ पे। फ्यूल डाल फ्यूल डाल फ्यूल डाल, जल्दी फ्यूल डाल, फ्यूल तो भाई 6, हाँ ठीक है चलो लेट्स गो, मैं फटाक से घर पर चला जाता हूँ गाइस। इस तरफ की सारी जगह है ना गाइस वो अपन ने लूट ली है, मेरे को बस इधर जाना है गई पे, बट उधर जाने से पहले रात हो गई और अभी मेरे को जल्दी से जल्दी घर पहुँचना पड़ेगा। और ना गाइस अगर रेड चालू हो गई ना तो सारे पोटैटो सीड मेरी भाई वेस्ट हो जाएगी और पूरा फार्म उजड़ जाएगा। वो छोटे छोटे रोबोट जो है ना गाइस वो पानी के अंदर से भी आ सकते हैं, ये आपको भी पता है, सो उनसे थोड़ा सा खतरा है हमारे फार्म को। बड़े रोबोट तो भाई अंदर आ ही नहीं पाएंगे, छोटे छोटे रोबोट से खतरा है। 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है गाइस यहाँ पे अभी तक, ठीक है भाई काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुँच गया, 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है, 2 मिनट में रेड होने वाली है। तो ये चलो गाड़ी को लेके चलते, गाड़ी से डायरेक्टली फुल्टू कचुम्बर बना डालेंगे, सैलमॉन भाई बन जाएगा तेरा भाई। और देखते टोटल कितने पोटैटो के पैकेट जो ना गाइस मेरे को मिलते हैं यहाँ पे, और रेड जो ना गाइस वो दोबारा होएगी यहाँ पे क्योंकि हमारे जो प्लांट्स है ना उनको उगने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आ जाओ चलो ओके जी, हाँ जी ऑन द रेड ऑन द डरते क्या भाई,
डरते के आन दो रोबोस को भाई, बैंड बजा दूंगा। 2 मिनट गए से भी खाली मेरे को इंतजार करना है भाई। इतना घूमने के बाद भी बस खाली एक दो कंपोनेंट किट, दो कंपोनेंट किट मिली है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला। बाकी अपना फार्म देख रहे हो, काफ़ी कूल लग रहा है। चलो ओ यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, रुकना भाई तब तक जो है ना गाइस। हाँ ये भाई अंदर बिंदर शिफ्ट कर देता हूँ, और जो भी यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई है लाइक रोबोट्स के हाथ पड़े हुए ना गाइस, उनको मैं रिफाइन कर देता हूँ एकदम मस्त बेके, ठीक है। चलो अरे 8 सेकंड बचे हैं और मैंने अभी तक जो है ना गाइस यहाँ पे रिफाइन नहीं करे। इतने सारे गाइस यहाँ पे हाथ पड़े हुए थे ना कि टाइम ही नहीं मिला। चलो गाइस पोटैटो गन से पेल डाले क्या कुछ रोबोट्स को भाई? पोटैटो गन में लेकिन पोटैटो ज़्यादा नहीं है। चलो 1 2 3 4 उड़ गए क्या? मैं कहाँ पे अटक गया हूँ? अरे खत्म भाई, खत्म खत्म खत्म। अरे रुकना भाई अंकल, गाड़ी पे तो बैठने दो। ऐ सालमोन भाई बनेगा अभी अपन, पोटैटो खत्म हो गए गाइज। ठीक है रुक जा अभी डायरेक्टली घुस, अंदर घुस गया बंदा। ये अंदर कैसे घुस गया? ए मैं आ गया, तो अंदर कैसे घुस गया? भाग भाई जी भैया, अंदर कहाँ से घुस रहे यार? मेरे को चारों तरफ से वॉल लगानी पड़ेगी यार। अंदर घुस गया भाई, बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान कर दिया भाई उसने। हट बे, इनको कहीं से तो जगह मिलेगा इस अंदर घुसने क्या? मेरे को चेनसा थोड़ी सी और बनानी पड़ेगी। इनको कहीं से तो जगह मिलेगा इस अंदर घुसने की। छोटू छोटू रोबोट भाई अंदर घुस रहे भाई। हेलो 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 अंकल जी कैसे हो? ये छोटू छोटू रोबोट ने भाई दिमाग का दही कर दिया भाई, अंदर जाके उड़ा के रख दिया भाई सब कुछ। खत्म ना, रोबोट तो वो मरा नहीं अभी तक भाई। ये छुटकों को कहाँ से जगह मिल गई? पानी के नीचे से जा रहे क्या भाई? अरे यार मेरी गाड़ी जो है ना गाइस वो रोबोट, वाव टायर खा गया मेरा भाई साहब, मेरा एक टायर खा गया भाई। रोबो लोग गाइस मेरा टायर खा गए, देखना मेरी गाड़ी को एक टायर ही नहीं है। अरे बेटे बेटे मौज कर दी भाई। चल बेटा पट से हेड शॉट, चल कलान, वाव भाई मेरी गाड़ी ना उड़ा डाले। तू मार दे अलग, तू अलग मार, तू अलग मार भाई, तू अलग मार, मेरी गाड़ी का कुछ ना भाई बेड़ा कर करे रोबो। हाँ भाई मार दे रे, मार दे रे, मार दे रे, मार मार भेज क्या, तू अलग मार दे भाई यार, गाड़ी ना उड़ा डाले यार मेरी भाई। इतनी प्यारी सी गाड़ी है भाई, उसको कुछ ना कर दे भाई। कंपोनेंट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक दो टायर खा गया डायरेक्टली भेज गया, खराब कर गई का ची बे। हट यार, ए मम्मी रे, नहीं 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 नहीं, गाड़ी को कुछ कर रहा है क्या? ना गाड़ी को ना कुछ कर रहा, फार्म पे जा रहा। गाड़ी का ठीक है, बस खाली एक टायर कम है गाड़ी को हमारे, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक ही है भाई। खाली एक टायर उड़ा डाला भाई। वो अंदर जहाँ से घुसा ना गाइस वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा गाइस कुछ तो भाई, ठीक है। मेरे को चारों तरफ से जो ना गाइस और थोड़ी सी सॉ लगानी पड़ेगी, पानी साइड से खास करके जो है ना गाइस, पानी साइड से खास करके जो है ना गाइस, जमीन के नीचे साइड करके सॉ लगानी पड़ेगी। ये लोग आ कहाँ से रहे, यहाँ से कहीं से आ रहे भाई? आगे देखना, ये देखना कितने सारे गाइस भाई हमारे पौधे खा गया भाई, ये बेच गया। रुक जाओ मैं थोड़े से जो ना गाइस वॉल लेके आता हूँ, वॉल मतलब स्टोन लेके आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे वॉल बना डालेंगे एक सॉ में भी, एक मिनट रुक जाओ मैं इसको लेके जाता हूँ। एक टायर भी बनाना पड़ेगा गाइस, हमारी गाड़ी फाइट के फाइट में गाइस इंजर्ड हो गई थोड़ी सी। तू कहाँ से आया भाई, तू कहाँ पे था अभी तक? कहाँ थे अंकल? पोटैटो गन में पोटैटो नहीं है वरना तेरे को बता देता मैं बेटा। चल बेटा कल आना कल। चलो गाइस ये सारे हाथ जो ना गाइस रिफाइन कर करके गाड़ी का टायर वापस से बना लूंगा। टायर ही गायब कर लिया भाई, बेच किया कि इन लोग ने तो। और वॉल बनाने के लिए जो ना गाइस अपने पास स्टोन काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। अपनी गाड़ी तो लेकिन चल रही थी गाइस, एक टायर गाइस अपना जाने के बावजूद ना मेरी गाड़ी जो ना गाइस एकदम खतरनाक तरीके से चल रही थी। मतलब एकदम भाई बिल्कुल कुछ भी जो ना गाइस फर्क ही नहीं पड़ा, टायर बियर गया है क्या हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एकदम मस्त भी की चल रही थी। यहाँ पे थोड़े से और मेटल पड़े हुए हैं ना गाइस, हाँ ये मेटल के हाथ और पड़े हुए हैं, इन सबको रिफाइन करने के लिए डाल दूंगा वहाँ पे। एंड इनसे जो गाइस मटेरियल मिलेगा उससे मेटल बना के मैं गाड़ी का टायर बना लूंगा, ठीक है। एले बेटा डाल दे। और एक और आखिरी हाथ गाइस यहाँ पे कहाँ पे था भाई वो? हाँ ये रहा, ये रहा। चलो पोटैटोज मतलब बड़े बीड़े हो गए क्या? मेरे को नहीं लग रहा इतने जल्दी होंगे बड़े, होंगे क्या? नहीं हुए ना, ना पोटैटोज बड़े नहीं हुए अभी तक, ठीक है। चलो गाइस चल दे घर पे, सारे के सारे हाथ जो है ना गाइस अपन लोग ने यहाँ पे उठा लिया भाई। हंगरी, ये ले गाजर खा ले भाई, गाजर खा ले भाई। आधी गाड़ी तो हमारे अंदर घुस गई वहाँ पे। अरे निकल जाएंगे भाई, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, नो प्रॉब्लम हो।
अबे यार ऐसा ना निकलेगी निकलेगी निकलेगी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, रिवर्स कर ले, अनऑथराइज फार्मिंग डिटेक्टेड। अरे बाढ़ में जा भाई, बाढ़ में जा अनऑथराइज फार्मिंग। वैसे भी वहाँ भी कुछ रखने तो नहीं वाला हूँ मैं, खत्म होने वाला है। निकाल निकाल निकाल, फुल पावर फुल पावर फुल पावर, निकलेगा निकलेगा। आ जय भद्रकाली जय भद्रकाली। हाँ ले 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 ले। अरे बाप रे, इतनी ज़्यादा बड़ी वाली वॉल डायरेक्टली भाई पार कर ली भाई इसने। ये खतरनाक था भाई, ये खतरनाक था। चलो गाइस एक एक टायर कम है, कैसे अपनी गाड़ी को एक टायर बना लेता हूँ बड़ा वाला। बड़ा वाला टायर बनाने से पहले मैं इसको रिफाइन करने के लिए डाल देता हूँ। और को जितने भी हाथ भाई ठाकुर लोग के लेके आया हो ना, उसको यहाँ पे डाल देता हूँ मस्त बेकी। हाँ इसको यहाँ पे लगा लगा नहीं लग रहा क्या? अच्छा इधर लगा, इधर लगा भाई। हाँ उठ ले ना भाई, चलो आ जाओ, लेट्स गो। पोटैटो जो है ना गाइज, वो भाई अपने पास काफ़ी ज़्यादा होने वाले, और पोटैटो जो है ना गाइज वो लेके मैं निकलूँगा यहाँ से। टेंशन न को लेने का गाइज, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का बाबा। दूध दूध दे दे, थैंक यू सर जी। एंड एक टायर बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ? बड़ा वाला मेटल और ये 40 वुड, मेटल एंड ये 40 वुड, ठीक है। सो मेटल तो अपने पास नहीं है बेटा जी। हाँ एक काम कर ले, ये स्टोन उठा ले अभी फिलहाल के लिए। हाँ जी 40 वुड और हंडी चाहिए भाई, ठीक है। सो मेटल मेरे हिसाब से मैं बनाने के लिए डाल सकता हूँ। हाँ जी 30 मेटल ही डाल देता हूँ, ज़्यादा मेटल नहीं डालता हूँ। वैसे टायर बनाने के लिए हमको 10 मेटल की ज़रूरत है और 40 मेरे को वो चाहिए। अरे यार मेटल मैंने खामों का बनाने के लिए डाल दिया, एक्चुअली में इन वाले मेटल्स की ज़रूरत थी नहीं मेरे को, खाली ये भाई हाँ ये वुड चाहिए थे गाइस, ठीक है। खाली ये वुड चाहिए थे, मेटल नहीं चाहिए था। ओके चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल स्क्रैप मेटल कितना हो गया? 198 हो चुका है स्क्रैप मेटल हमारे पास। 17 मिनट में एक और रेड होएंगी, बट वो रेड होने से पहले मैं पूरा डिफेंस बना दूंगा गाइस। टोटल हमारे पास स्टोन 2 ब्लॉक पड़ा हुआ है ना? हाँ जी 2 ब्लॉक स्टोन पड़ा हुआ है, सही है। चलो वुड कितना चाहिए होगा? 40 ना, कितना है मेरे पास? 5 है। दो और बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ओके गाइज, यहाँ पे जो है ना गाइज हमारा टायर बन रहा है। और गाइज मैंने आपसे पूछा था शायद कल वाले वीडियो में कि मेरे को मॉड के साथ खेलना चाहिए कि नहीं गाइज ये। सो मैक्सिमम बंदों ने गाइज यहाँ पे कमेंट करा, यस गाइज मतलब यस ब्रो मॉड वाला वो कर लो भाई, स्क्रैप मैकेनिक खेल लो। सो गाइज हम मॉड वाला स्क्रैप मैकेनिक जो है ना गाइज जो ट्राई मारेंगे भाई बहुत ज़्यादा जल्दी भाई, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ने भाई यस यस कमेंट करा था उसके नीचे। अभी तो गाइज अपनी गाड़ी वापस से रेडी हो चुकी है, बाकी कनेक्शन ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके गाइज ठीक है, ठीक हो गया अपनी गाड़ी भाई। यार बैंड बज गई थी गाड़ी की, लेकिन पोटैटोज का कैसे है? शायद से कुछ पोटैटो उगे और मे भी कुछ ना ही उगे, ये वाले उगे ना शायद से। अच्छा ये वाइट वाइट वाले गाइज ये उगे हुए पोटैटोज है भाई, ठीक है सही है। चलो ऑलमोस्ट गाइज सारे पोटैटो जो है ना गाइज यहाँ पे अभी तो उग चुके हैं, ठीक है। सो मैं सबको तोड़, अरे यार ये तो भाई डायरेक्टली बक्सों में आ रहे हैं गाइज, बंद के देख रहे हो, पेटियों में बंद बंद के आ रहे हैं। देखते हैं टोटल गाइज कितने पोटैटो जो ना गाइज हमको मिलते हैं भाई। ये लो भाई ऑलमोस्ट भाई सारे उग चुके हैं। ये वाले भाई पीछे वाले थोड़े से उगे नहीं है गाइज, पानी पानी तो डाल के आ रहे, उग रहे उग रहे उग रहे, हल्लो हल्लू करके उग रहे। जब तक हम ये पोटैटो तोड़ेंगे तब तक वो वाले पोटैटो जो ना गाइज उग जाएंगे भाई। अरे बेटे गाइज ये देखो भाई थ्रस्टी, अरे गाजर खा ले भी फिलहाल के लिए तो भाई। ये देखो गाइज कितने सारे पोटैटो गाइज हो चुके हैं, कितने सारे पोटैटो है भाई, मजा ही आ गया गाइज भाई। मेरे को लग रहा है अभी पोटैटो गन से जो ना गाइज अपन काफ़ी सारे रोबोट्स की बैंड बजाने वाले हैं। हे वी गो हे वी गो हे वी गो एंड टड़ा। चलो भाई भाई दो पौधे उगे नहीं है, ठीक है इनको बाद में देखते, पहले देखते कितने टोटल पोटैटो निकले भाई यहाँ पे। इन्वेंट्रीज फुल, पोटैटो की सीड यहाँ पे डाल दे भाई, सीड्स तो बहुत ज़्यादा हो चुके यार अपने पास। पोटैटो की तो भाई 60-70 सीड होने को आ गई, और 50-50 करके भाई इनके भाई जो भाई बक्से बने हैं ना गाइज क्या बताओ भाई, खतरनाक। हेलो बेटा, हाँ जी। अरे यार मैंने इनको उठा लिया भाई, लास्ट वाले पोटैटोज को गलती से उड़ गए गाइज मेरे से। चलो नो प्रॉब्लम, इन्वेंट्री फुल क्यों भाई? अच्छा रुक जाओ, सीड यहाँ पे लगा देता हूँ। हाँ जी ये ले। अरे यार इधर नहीं भाई, साइड में लगा दे। हाँ यहाँ पे लगाता हूँ एंड ए वी गो, इन्वेंट्री इज फुल। अच्छा सीड और नहीं उठा सकता क्या? सीड्स कहाँ पे? और अरे यार सीड नहीं है यार, इन्वेंट्री फुल है पूरी। रुक जाओ केला खा लेता हूँ गाइज एक, ठीक है। ए वी गो ये दो सीड यहाँ पे डाल दे, टड़ा। अरे यार 20 सीड ये रही भाई, और टड़ा भाई 50 100 150 200 250 और भाई 274।
5 टोटल पोटैटोस तेरे भाई के पास आ चुके हैं। और इससे अपन बड़ी वाली जो फैक्ट्रीज होती है ना, ये वाली नहीं गाइस, जो हेडक्वार्टर होता है ना गाइस इन रोबोट्स का, वो बड़े आराम से रेड कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना गाइस अगले वाले एपिसोड में गाइस डायरेक्टली जाके इनके हेडक्वार्टर को जो ना गाइस रेड करने का काम तुम्हारा भाई कर ले। क्या बोलती पब्लिक? वैसे भी गाइस यहाँ पे अनऑथराइज फार्मिंग जो ना गाइस डिटेक्ट हो ही चुकी है, सो मैं यहाँ पे जो ना गाइस वापस से पोटैटो की जो सीड्स है ना गाइस वो लगा ही देता हूँ गाइस। ठीक है, लगा ही देता हूँ। चलो वैसे भाई रेड तो होने वाली है, सो यहाँ पे जो ना गाइस लगा देते हैं और थोड़े से और 250 जो ना गाइस यहाँ पे पोटैटोस का जुगाड़ करेंगे भाई। 200-250 जो ना गाइस पोटैटोस से अपन का जो ना गाइस कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वहाँ पे जाके सबके बैंड बड़े आराम से बजा पाएंगे अपन। लेट्स गो, ये रहा आखिरी वाला भाई। ठीक है, चलो डन 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 डन। ओके सो गाइस पोटैटो गन भी आ चुकी है। पोटैटो गन की जो ना गाइस 250 टोटल एमओ जो है ना गाइस वो भी तेरे भाई के पास आ चुकी है। और अभी तो गाइस अगले एपिसोड में भाई 500 एमओ तेरे भाई के पास टोटल होने वाली है। तो फिलहाल के लिए ना गाइस अपन क्या कर लेते हैं गाइस, ये वाला जो हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड है ना गाइस स्क्रैप मेकेनिक का, इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं। और मैं भी अगले एपिसोड में हम डायरेक्टली इनका जो हेडक्वार्टर नहीं होता बड़ा वाला, उसमें जो ना गाइस रेड करने के लिए जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो ना गाइस काफी ज्यादा ओपी ओपी वाली जो चीजें है ना गाइस वो हमको मिलती है। इसलिए गाइस इनके हेडक्वार्टर के ऊपर जो ना गाइस रेड करने की अपन पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए गाइस आज का जो हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड है स्क्रैप मैकेनिक का, वो हम लोग जो ना गाइस यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं जिदा तब से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। बाकी अगर आज का एपिसोड पसंद आया होगा और गाइस पोटैटो गन से जो तुम्हारे भाई ने पिलाया भाई रोबोट्स को, वो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सी यू लेटर, टाटा बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.